मौके पर पहुंच करके जांच चला सका। अपराधी पहले से गोली चलाया गया था और वह घायल होते होते बचा। उस समय में भी यही बात हुई कि अब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जाएगा, बहुत सेंसिटिव प्लेस है। बावजूद इसके दूसरे टाइम भी हुआ है तो हम यह प्रशासन को याद करा देते हैं कि अगर इस पर नहीं सख्ती बरती गई तो हम लोग कोर्ट का बहिष्कार कर दूंगा। और मैं सेक्रेटरी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिमल बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी अशोक यादव एक फैमिली कोर्ट में उनकी पेशी है, पिछला ना पेशी के दौरान उपस्थापन के बाद वो वापस जब कोर्ट से बाहर निकले हैं भीड़ भाड़ का फायदा दिखा के कुछ लोगों ने उन पे गोली चलाया है, लेकिन वो गोली लगा नहीं, वो बच गए हैं। और इसी क्रम में भीड़ भाड़ में गोली छिटक के एक जाने वाले लोग को लगी है, जो सुरक्षित है, ऐसी कोई वो नहीं है। सर बताया जा रहा है वो कोर्ट के कर्मचारी है अभी वो, लेकिन वो कोर्ट के कर्मचारी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं और अभियुक्तों की पहचान हम लोग ने कर लिया है, उसके लिए हम लोगों ने टीम बना के छापेमारी उस जगह पे कराई जा रही है। तो किस पे गोली चली थी सर, किसको टारगेट किया? एक अशोक यादव है जो रहने वाले समस्तीपुर बिथान के हैं, उनका पुराना इतिहास भी रहा है, आपराधिक, हाँ आपराधिक इतिहास है, उन्हीं पे गोली चलाई गई। Gracias.